आज हमारे महागठबंधन की जितनी पार्टियां थी उनके साथ हमारी अहम बैठक हुई, जिसमें कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई माले, सीपीआई, सीपीएम के नेता के साथ हमारी बैठक हुई। और बैठक में सभी लोगों का राय था कि महागठबंधन के तरफ से कल जो स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है उसमें प्रत्याशी अपना उतारा जाए। तो हम सब लोगों ने, महागठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर के फैसला लिया है कि सिवान से जो जीत के आए हैं, जो सबसे अनुभवी रहे हैं, कई बार बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं, मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में, और राष्ट्रीय जनता दल के स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो चेयरमैन हैं आदरणीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी, उनको हम लोगों ने इस बार प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया है। इसके लिए जो औपचारिकता जो पूरी की गई है, विधानसभा के सेक्रेटरी को हम लोगों ने जो फॉर्म होता है नॉमिनेशन का, उसको हम लोगों ने जमा किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों का जीत इसमें होगी। और बिहार विधानसभा का स्पीकर का जो पद होता है बहुत ही अहम होता है। पार्टी से ऊपर उठ करके सदन को बैलेंस करके, संतुलन बना करके, चाहे सत्ता हो या पक्ष हो, विपक्ष हो, सभी लोगों को, पक्ष विपक्ष को साथ लेकर के चलना होता है। जो हाउस की कार्यवाही से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से हाउस चले और जनता के जो मुद्दे हैं वो उसका जल्द से जल्द समाधान हो, बिना भेदभाव किए हुए सभी सदस्यों को, सदस्यों की बातों को, उसके लिए उचित कार्रवाई जो हो सके वो स्पीकर को करना पड़ता है। और एक जिम्मेदारी भरा पद, एक बड़ा पद होता है, जिसका हमको लगता है कि इसके लिए अनुभव की काफ़ी आवश्यकता होती है। और अवध बिहारी चौधरी जी इन मामलों में कई बार सदस्य बिहार विधानसभा के चुने गए हैं। पहली बार ये बिहार विधानसभा के सदस्य 1985 में चुने गए थे और उसके बाद से लगातार कई टर्म ये बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं और हर एक तरीके से सबसे उपयोगी उम्मीदवार हम लोगों ने पेश किया है। और पूरा भरोसा है कल सदन में जो है हम लोगों पर, अवध बिहारी चौधरी जी पर, सभी सदस्य जो है विश्वास करके इनको भारी मतों से विजय बनाने का समर्थन है। आपके पास एमआईएम का समर्थन आपके साथ है? ये सबका होगा, बात हुई है, आप चिंता मत कीजिए। सभी लोगों से हम लोग खुद बात भी करेंगे और अभी तो नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई है, सभी लोगों को सूचना भी दी जाएगी। और अभी तो पहला नामांकन इन्हीं का हुआ, भी होता है नहीं होता है ये भी देखने वाली बात है। लेकिन क्रॉस वोटिंग होगी नहीं, इसमें तो देखिए विप तो जारी होता नहीं है। पहली बात, जब आप अध्यक्ष चुन रहे हैं बिहार विधानसभा का, स्पीकर को चुन रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो सबसे उपयुक्त है, उपयोगी है, जो सबसे अनुभवी है, उनको लोगों को चुनना चाहिए। कि परंपरा सर्वसम्मति से है, लेकिन आप देखे होंगे कि परंपरा तो डिप्टी स्पीकर की भी रही थी, लेकिन पिछले सत्र में हम लोगों ने कई बार सरकार के सामने, अध्यक्ष उस समय के जो रहे और मुख्यमंत्री के सामने, हम मिलकर के भी ये मांग रखे कि भाई डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को जाता है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं। लेकिन परंपरा तो यही है और जो नियमावली कहती है बिहार विधानसभा का कि कोई भी अगर प्रस्तावक हो तो नामांकन कर सकता है, तो ऐसे कोई परंपरा
की बात नहीं है, लेकिन एनडीए चुनाव में आप लोगों ने भी देखा होगा, जो लोकसभा में डिप्टी राज्यसभा का जो डिप्टी स्पीकर का जब वोटिंग चल रहा था उसमें से जो ऑपोजिशन पार्टी ने मनोज झा जी को आरजेडी के जो सदस्य हैं उनको उम्मीदवार बनाया था। तो चुनाव तो ये तो प्रक्रिया है, ये तो चलता रहता, परंपरा असल परंपरा तो ही देखिए, हर पार्टी का हर गठबंधन का अपना निर्णय होता है। हम लोग तो एनडीए के जितने सदस्य हैं उनसे भी अपील करेंगे, जो सबसे अनुभवी है उसको आप लोग चुनने का काम करिए, जिसकी ईमानदार छवि रही है, जो सबको साथ लेकर के चले, जिसकी भाषा से लेकर के सब कुछ अच्छा है। हम तो चाहेंगे कि ऐसे उम्मीदवार की चयन होनी चाहिए। आपको उम्मीद है कि संख्या बल जुटा लेंगे, जागे ना जागे, लेकिन अब तो उन पे हम कुछ टिप्पा टिप्पणी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने उनके काम को भी देखा है और फिर से वही काम उन्होंने दोहराया है, फिर से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना और प्रमोशन करना, यही नीतीश कुमार जी का काम रहा है। चाहे बालिका गृह कांड हो, चाहे नियुक्ति घोटाला हो, सृजन घोटाला हो, सभी लोग बड़े बड़े मुकदमे में, बड़े बड़े आपके कोर्ट में मामले भी चल रहे हैं, चाहे सृजन का हो या सीबीआई जांच भी चल रही है। लेकिन एक तो आश्चर्य की बात है ना कि बिहार की जनता ये सोचती कि 60 बड़े घोटाले हो गए, लेकिन अब तक बिहार सरकार का खजाना खाली हो गया, लेकिन अब तक कोई दोषी नहीं है, कोई भूत तो पैसा चुरा के नहीं भागा है, किसी भूत ने बिहार सरकार की तिजोरी तो खाली नहीं की है। कौन अधिकारी है भैया, सब जानना चाहते हैं। किसी ना किसी का दोष तो होगा, जब सरकार ने स्वयं 60 घोटाले जब मानी है तो उसका जो है वो तो मानना पड़ेगा।